हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरी किचन की थाली में आप सभी का स्वागत है। आज बना रही हूँ आप सभी के लिए आलू बैगन मसाला। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम बैगन लिए हैं, इन्हें धो के काट लिए हैं और ये ताज़े बैगन हैं। एक बड़ा आलू लिया है करीब 200 ग्राम के करीब, इस तरह से हमने काट लिया इसे। चलिए देखते हैं आलू बैगन मसाला बनाने के लिए हमने क्या लिया है। लाल मिर्च पाउडर ली है, हरी मिर्च ली है, कड़ी पत्ता लिया है, कुछ लहसुन लिया है कटा हुआ, खड़ा गरम मसाला, राई और जीरा भी है, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, मैंगो पाउडर, नमक, काला नमक, राई की दाल और हींग। चलिए 2 चम्मच हमने तेल डाल दिए है, खड़े मसाले डाल दिए हैं, फ्लेवर आने तक इसे भून लेंगे अच्छे से। लहसुन डाल दिया है, इसे भी अच्छे से भून लेंगे। कड़ी पत्ता डाल दिया है। आलू बैगन मसाला बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। हरी मिर्च डाल दी और बहुत ही कम समय में बनती है। सभी को अच्छी तरह से भून लेंगे, तभी हमारे आलू बैगन मसाले में अच्छा टेस्ट आएगा। भुनते भुनते हम आलू को इसी में डाल देंगे ताकि लहसुन के साथ ये भी भुन जाए और आलू बैगन को अच्छी तरह से इसी तेल में भून लेंगे अच्छे से। पाँच से सात मिनट इनको अच्छे से भून लेंगे। साथ ही इसमें बैगन मिला दूंगी मैं। ये बैगन बगैर बीज वाले हैं। और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। कम समय में बहुत जल्दी से सब्जी बनती है ये। तो कहीं जाना हो या ऑफिस टिफिन के लिए आप इसे बना सकते हैं। कोई खास मसाले भी नहीं है इसमें, सारे मसाले डेली वाले हैं। तो आप एक बार बना के देखें, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सभी को बहुत अच्छी तरह से भूनना है इसे। हींग डाल दी हमने इसमें। सारे मसाले अब हम ऊपर से डाल देंगे। हींग डाल के अच्छे से भूनना है। राई की दाल डाल दी हमने इसमें 2 चम्मच। हल्दी पाउडर डाल दिया है 1/2 चम्मच। काली मिर्च पाउडर डाल दिए, गरम मसाला डाल दिए 1/2 चम्मच। एक चम्मच हमने जीरा पाउडर डाल दिया है। स्वाद के अनुसार हम मिर्ची डाल देंगे। तो 2 चम्मच हमने मिर्ची डाल दी इसमें। काला नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
सारे मसाले इसी में भुन जाना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है सारे मसाले। स्वाद के अनुसार सादा नमक डाल दिया मैंने। मिला लूंगी अच्छे से। और हमारे सारे मसाले भुन चुके हैं अच्छे से। टमाटर की प्यूरी डाल दी हमने 3 टमाटर की, और इसे भी अच्छी तरह से मिला के भून लेंगे। सबको अच्छी तरह से मिला दिया है। ढक दूंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम आलू चेक कर लेंगे। आलू में भी टाइम है तो थोड़ा सा और ढक देते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं। सब्जी लगभग बन गई है, काफी अच्छी ग्रेवी बनी है। चलिए आलू देख लेते हैं। आलू भी लगभग बन गया है, अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। चलिए एक बाउल में निकाल लेती हूँ मैं सब्जी। आलू बैगन मसाला तैयार है। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।